ये देखो यहाँ पे ये ऐसी गन्स है ना पूरे बाजार में खुले में बिकती है। सो 20,000 का एक गन मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। इसमें गोली खत्म हुआ और वापस से डाला और वापस से भरा फिर से। ये जो किला है इसको 330 BC पहले अलेक्जेंडर ने बिल्ड किया था। और यहाँ पे लड़कियाँ आपको काफ़ी सारी रोड पे घूमती हुई दिख जाएगी। अच्छा वुमेन्स है लड़कियाँ वो आज काफ़ी अच्छी सी घूम रही है, बिना बुरके की घूम रही है। तो गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का एक और अफगानिस्तान के नई वीडियो में। और अभी मैं हूँ यहाँ पे कांदार। कांदार एक शहर है, आप लोगों ने सुना होगा, कांदार की पहले एक दो वीडियो भी देखी होंगी आप लोगों ने। और अभी हम कांदार से जा रहे हैं हेरात। और कांदार आप लोगों ने सुना होगा यार, हमने कांदार का जो है अनार का जो है वो भी दिखाया, गार्डन वगैरह भी दिखाया था। यहाँ जो अनार है ना वो आप लोगों को हेरात में नहीं मिलेंगे। तो अभी हम जाते जाते एक एक गिलास और पीते जा रहे हैं। उमा की ख्वाहिश, दिल्ली ख्वाहिश थी कि हम लोग एक एक गिलास और पी के जाएं। Finally, I love this one. Really? You love this one? Yeah, and... तो यहाँ पे ऐसे कुछ एक एक प्रोविंस में एक एक अच्छी अच्छी चीज मिलेगी आप लोगों को। सब जगह एक चीज अनार सब जगह अच्छी नहीं मिलने वाली आप लोगों को। तो अभी ये देखो भाई जूस बना रहा है हमारे लिए। बस एक बार प्रेस करता है, आप लोग देखेंगे ये एक बार प्रेस करेगा, बस दो बार नहीं करेगा, बस एक बार प्रेस करता है, बस दैट्स इट। बट काबुल में ऐसा नहीं है, दो बार करते हैं काबुल में, दो दिन पूरा पूरा इसका भी निकाल देते हैं। हाँ। सारा इसकी स्किन का भी जूस निकाल देते हैं काबुल। हाँ। में तो ऐसा है। तो अभी हम लोग बस यहाँ से जूस पी के और अब हम लोग निकल रहे हैं हेरात के लिए। और यहाँ पे एक अनार का गिलास और 50 अफगानी का मिलता है, लगभग 45 से 50 रुपये के बीच में, मान लो रुपये की बात करो तो। अफगानी और इंडियन रुपये सेम प्राइस है दोनों का। फिनिश, लेट्स गो। चल बढ़िया मजे। पश्तून हिंदी। What time do you camp? Today जगो। Today we are going to हेरात। What plaza? हेरात यहाँ से 600 किलोमीटर है और लगभग 12 से 15 घंटे की जर्नी है। 3:30 बजे यहाँ से कांदार से हमारी हेरात के लिए बस है। तो पूरी रात हम लोगों को बस में चलना पड़ेगा। कल सुबह हम लोग लगभग 4-5 बजे के लगभग हम लोग पहुंचेंगे हेरात। सो हम लोग अभी पहुंच गए यहाँ पे जो कांदार का बस स्टेशन है वहाँ पे। और यहाँ की बसें कुछ ऐसी है, बसें तो ठीक ठाक दिख रही है यार। जिस बस में हम गजनी से कांदार आए थे ना वो बस थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी, बाकी ये वाली बस ठीक ठाक है। और पूरी रात बस में चलना है यार आज तो। और ये देखो गजनी, ये जो कांदार का बस स्टेशन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से। अब हम लोग आके बैठ गए हमारी बस में और बस यहाँ से 3:30 का टाइम था, 3:30 ऑलरेडी हो गया है। और वैसे यहाँ अफ्रीका नहीं है, बसें टाइम से चलती है यहाँ पे। अराइवल टाइम 9 PM 9 PM 9 PM और 10 PM Yeah. How can it be possible, bro? 600 kilometer. 600 kilometer. I'm Afghanistan. That I told you this road is better. Huh? और यहाँ पे यार ऐसे छोटे छोटे बच्चे ना बहुत सारे हर जगह आपको मांगते हुए मिल जाएंगे। बहुत दुख होता है ना ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देख के। अभी आप लोग देख रहे हैं कि वो छोटी सी बच्ची थी, काफ़ी दुख होता है ऐसे बच्चों को देख। लेकिन जितना मैक्सिमम मुझसे पॉसिबल हो पाता है वहाँ तक करते हैं, लेकिन हर जगह तो नहीं कर पाते। और ये है यहाँ का बस स्टेशन। बस अब हम लोग बस में आके बैठ गए हैं, अब लोग हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं और थोड़ी देर में हमारी बस पहुँचने वाली है। कोई बोल रहा है कि रात को 10 बजे पहुँचाएगी, कोई बोल रहा है रात को 3 बजे पहुँचाएगी, कोई बोल रहा है दूसरे दिन सुबह पहुँचाएगी, अभी कोई पता ही नहीं। और यहाँ पर ये देखो ऑटो ऐसे होते हैं ये बस बाइक को जोड़ देते हैं, ये बाइक टाइप का, ये पावरफुल बाइक जोड़ते हैं। लेकिन और यहाँ पे है जो थोड़ा बहुत 15 मिनट का ब्रेक लिया है बस ने, बस एकदम ज़बरदस्त चल रही है भाई। मुझे लगता है 10 बजे से पहले पहुँचा देगी ये रात को। बस एकदम फ्लेक्सिबल है, रॉकेट बस ज़बरदस्त शानदार स्पीड से चल रही है और एकदम फ्लेक्सिबल भी है। यूँ बस दोचियाँ ही नहीं लगती, दचका भी नहीं लगता है एक भी इसमें। अब मेरा थोड़ा लैंग्वेज में रास्ता नहीं ले जाए भाई थोड़ा सा।
शायद मुझे ऐसे लगता है नमाज वमाज पढ़ने का टाइम आ गया, इसलिए रुका होगा यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं। बस 15 मिनट का ब्रेक था यहाँ पे, शायद हो सकता है लोगों के लिए नमाज वमाज पढ़ने के लिए रुका होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वहाँ से कांदार से चलते चलते आए थे यहाँ पे हेरात, और अभी हम लोग हेरात में जो यहाँ का इख्तियारुद्दीन जो कैसल है, जो इख्तियारुद्दीन किला है, उसको घूमने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये किला है ना जो अलेक्जेंडर ने बनाया था, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इख्तियारुद्दीन का ये कैसल का यहाँ पे बोर्ड लगा है, इख्तियारुद्दीन कैसल। हेरात काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ से काफ़ी हिस्टोरी से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं हेरात में। और ये हेरात का जो किला है ना, वो कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हेरात का किला। तो अभी पहले आपको थोड़ा सा ये जो किला है ना, ये कैसल है ना, ये दिखा के फिर मैं थोड़ा सा आपको सिटी में भी घुमाऊंगा। यहाँ पे आज मैं हेरात सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ पूरा। ये जो किले के बाहर है जो सिटी है, कुछ ऐसी सिटी आप लोग देख रहे हैं यहाँ से। किले को घूमने का जो टिकट का प्राइस है वो है यहाँ पे 500 अफगान अफगानी, 500 अफगान अफगानी लगभग हो गया, 450 इंडियन रुपीस के लगभग हो गया। तो अभी चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अंदर, किले को घुमाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो कुछ, सबसे पहले अपनी मुलाकात होती है इन तालिबानी भाई लोगों से। ये जो किला है इसको 330 बीसी पहले अलेक्जेंडर ने बिल्ट किया था, और उसके बाद है ना ये 2000 सालों तक अलग अलग जो एम्पायर थे उनकी कैपिटल रहा है, उनका मेन केंद्र रहा है ये जो हेरात किला है ये। और अलेक्जेंडर ने इसको ग्रीस स्टाइल में बिल्ट किया था, उसके बाद ना बहुत सारे राजाओं ने इस पर आक्रमण किया, बहुत बार ये टूट फूट हुई, बहुत बार ये तहस नहस हुआ। फिर जो नए राजा आए, नए राजा जीतते गए, वो यहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा करते रहे, और उसके बाद उन्होंने फिर से इसको बिल्ट किया, बहुत बार ये गिरा, बहुत बार वापस से खड़ा हुआ है, बहुत बार ऐसी बहुत सी घटनाएं यहाँ पे। और ये सब पेंटिंग्स ही केवल कॉपी है यहाँ पे, जो ओरिजिनल पेंटिंग्स है ना वो सब यहाँ से ऑलरेडी चुरा ली गई है। और ऐसे लग रहा है ना कि मैं जेल में हूँ जेल में नहीं हूँ, मैं आ गया हूँ। ये जो इसका जर्जर हिस्सा हो रखा है ना इस किले का, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी टूट फूट हो रखी है इस किले में, लेकिन ये जो किला है ना भाई अल्टीमेट है, एक नंबर है। आप लोग इसको घूमने आओगे ना मज़ा आएगा, वैसे वीडियो बनाने लायक इतना नहीं है लेकिन घूमने में बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उनकी फैमिली रहा करती थी। ये सईद साहब भाई बता रहे हैं मुझे, अभी सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या गलत मुझे नहीं पता। और यहाँ से दिखता है पूरा हेरात। हेरात मुझे काबुल से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखो इधर ये किला कुछ ऐसे बना हुआ है, अभी मैं यहाँ पे खिड़की में बैठ के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो ये किले की दीवारें यार ज़बरदस्त बनाया गया है। और ये इधर है, ये पूरा हेरात सिटी है, हेरात टाउन है। हेरात है जो अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सिटी है। और इस फोर्ट के बारे में यार बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, आज भी कोई है ना जो एकदम सटीक नहीं बता सकता है कि इसको बनाया किसने। यहाँ अंदर आने के बाद मालूम चला, बाहर आने तक हमें यही मालूम था कि इसको अलेक्जेंडर ने बनाया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मालूम चला कि कुछ लोग जो ये हमें एक दिया है, ये देखो ये एक ये टिकट दिया है ना, टिकट के ऊपर लिखा है कि इसको एक कोई समायरा नाम की लड़की थी उसने बनाया था, फिर बाद में जो अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था और अलेक्जेंडर ने जो है इसको डिस्ट्रॉय करके फिर वापस से बनाया था। और ये देखो
बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट बनाया यार। अभी हम लोग जाएंगे, उधर जाऊंगा मैं ये इधर से नीचे चढ़ते हुए, फिर इधर जाके आऊंगा थोड़ा सा आगे। और ये जो किला है ये लगभग 2700 साल पुराना है यार, और इसको 13वीं शताब्दी में जो इख्तियारुद्दीन ने सबसे लेटेस्ट में सबसे लास्ट में इख्तियारुद्दीन ने बनाया था इसको। सो ये जो किले का ये जो फोर्ट था इसका ट्रिप हो गया अपना पूरा, और अब हम लोग जाएंगे हेरात सिटी को एक्सप्लोर करने। शायद ये बाहर से देखो, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है किला, माय गॉड जबरदस्त वाली इसकी वॉल्स देखो आप तो यार, इसकी दीवारें कितनी मजबूत बनाई गई है उस जमाने में भी। सो गाइज अभी हम लोग वहाँ पे वो जो फोर्ट था उसको घूम फिर के थोड़ा बहुत खाना पीना खाने चले गए, और अब हम लोग आए यहाँ पे कोई मॉस्क या मस्जिद है यार, इस मस्जिद को मैं पहली बार कोई मस्जिद घूमने जा रहा हूँ। ये यहाँ पे मॉस्क है, और यहाँ पे आपको पुराने जो चीज़ें हैं ना राजा महाराजाओं के टाइम के कॉइन्स वगैरह या फिर और भी काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और हेरात है ना वो काफ़ी पुरानी शहर है यार, बहुत पुरानी बहुत ओल्ड सिटी है हेरात। यहाँ पे घूमने में मज़ा आ रहा है हेरात में घूमने में। और वो सामने देखो मस्जिद के अंदर तालिबानी लोग हैं जो हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं भाई साहब। और अभी मैं जो इस मस्जिद के अंदर आ गया हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है मैं किसी मस्जिद के अंदर आया हूँ। इससे पहले मैं इतनी बड़ी मस्जिद, ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मॉस्क है, इससे पहले मैं इतनी बड़ी मॉस्क के अंदर कभी नहीं आया। आप लोग देखो यार काफी बड़ा मस्जिद है ये। और ये वाला जो हेरात का पार्ट है ना ये बिल्कुल ही अलग लग रहा है मुझे यार, और जो अभी तक मैं जिस पार्ट में घूम रहा था ना वो बिल्कुल डेवलप्ड था, और ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल अलग ही लग रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी रोड, कंजेस्टेड एरिया है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है पूछो मत यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे कपड़े वपड़े की शॉप्स हैं। और हेरात में पता है सबसे अलग बात मुझे क्या देखी, यहाँ पे लड़के आपको काफ़ी सारी रोड पे घूमती हुई दिख जाएगी, ऐसा और अदर पार्ट्स में नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम यहाँ पे देखा है कि हर कोई फ्रीली घूम रहा है, जो मेंस है लड़कियाँ वो आज काफ़ी अच्छे से घूम रही है, बिना बुरके की घूम रही है, तो यहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज वगैरह औरतें वगैरह आराम से इजीली घूम रही है, बाकी और अदर पार्ट्स में है ना जो ऐसा नहीं था। मैं काफ़ी जगह घुमाऊँ, जलालाबाद, बामियान और कांदार, काफ़ी जगह घुमाऊँ, ऐसा और कहीं नहीं देखा मैंने। ये यहाँ पे देखो स्टॉल है, ये मैं स्टॉल खरीद के ले जाऊँगा बहुत सारी। ये देखो यहाँ पे लेडीज कुछ कपड़े वपड़े खरीद रही है, ये देखो। तो अभी यहाँ पे यार ये थोड़ा सा मॉस्क घूम के आए थे, और अभी हम लोग आए थे यहाँ पे एक वेपन शॉप है, यहाँ पे ओपन में वेपन मिलते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे ये ऐसी गन्स है ना पूरे बाजार में खुले में बिकती है। सो कितना चाचा कितना प्राइस है इसी गन का? कीमत है 20,000। समझते हैं यार 20,000 का एक गन मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। कौन सा है? M12 है, थोड़ा सा हेवी जरूर है, बस इसको यूँ 20,000 का, 20,000 सबसे महंगा ये है, और भी महंगा है इससे। यहाँ पे जो सबसे महंगा है ना इसका प्राइस है 20,000 अफगानी, और जो हाईएस्ट सबसे महंगा प्राइस है वो है 50,000, जो 50 वाली दिखा रहा हूँ अभी आपको। जो सबसे महंगा वाला ना 50,000 का, उसको यहाँ पे नहीं रखते हैं, उसको अलग से दूसरे गोदाम में रखते हैं ये लोग। ओके ये वाला है सबसे महंगा 50,000 का, आप लोग फोटो देख सकते हैं। रशियन रशिया ये वाली रशिया से यार बोइकल। ओके इसका जो सबसे महंगी है उसका नाम है बोइकल, और ये है M12 रोडस कंपनी, रोडस आर्म, रोडस आर्म।
घोड़सवार में M12 टर्की से टर्की से लाया एक चोट किया है। और ये देखो एक गन बेल्ट यहाँ पे, आप लोगों को एक गन बेल्ट यहाँ पे कमर में बांधने के लिए स्मॉल वाली आती है ना, टक 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 नाइफ, उसके उसके लिए एक गन बेल्ट इन्होंने लगा रखा है। और ये वाला है ना, ये यहाँ पे छाती पे यहाँ पे चेस्ट पे बांधते ना, वो बुलेट डाल के यहाँ पे चेस्ट पे बांध के रखते, इसमें गोली खत्म हुआ और वापस से डाला और वापस से भरा फिर से चेस्ट पे। इसको देखते ही मुझे सबसे ज्यादा डर इसको देख के नहीं लगता, मुझे ज्यादा डर इसको देख के लगता है। और ये देखो ये वाली जो गन है ना, ये 10,000 की गन है यहाँ पे, और सबसे महंगी जो 20,000 की, और ये सबसे महंगी 50,000 की, ये 20,000 वाली है। पहला ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी गन शॉप को, गन मार्केट को घूमना। ये शॉर्ट गन है यार, शॉर्ट गन आप लोगों को पता होगा कि ये ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती है, लेकिन इसमें 20 जो बुलेट है ना, वो एक साथ 20 बुलेट जाती है टप 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 टप, तो बस लेकिन थोड़ा ज़्यादा दूरी 20-25 मीटर तक जाते हैं, लेकिन पावरफुल होता है। यदि किसी बंदे की लगाओगे तो बचने का कोई चांस नहीं है, 20 में से कोई तो लगेगी यार। और अभी गन मार्केट में जाके आप लोगों ने देखा होगा, पहली बार इतनी गन्स देखने को मिली है मुझे, वहाँ पे सारी की सारी इंपोर्टेड गन्स थी, कोई रशिया से, कोई टर्की से, काफ़ी सारी फॉरेन से इंपोर्ट की गई थी वो सारी की सारी गन्स। और हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे गन शूटिंग के लिए जाएं, हो सकता है यदि हमें चांस मिल गया ना तो तालिबान भाई लोगों के साथ हम लोग है ना जो गन शूटिंग पे भी जा सकते हैं। यदि कहीं से ये जो शहीद साहब हैं वो हमारे साथ हमें जो घुमा रहे हैं यहाँ पे, यदि उन्होंने कुछ जुगाड़ कर लिया तो हम लोग हो सकता है जाएंगे। और ये जो हेरात है वहाँ का मार्केट ही देखो कुछ ऐसा है। ये वाले ऑटो मुझे बहुत पसंद आए यार, ये वाला ऑटो मुझे अच्छा लगा। वेस्ट अफ्रीका, दिस टाइप ऑफ ऑटो, वेस्ट अफ्रीका, माली, बुर्किना फासो, माली, टोगो, और वो वाला ऑटो देखो यार, वो वाला ऑटो मेरे को सबसे पसंद आया, ये वाला ऑटो सबसे पसंद आया मेरे को। ये देखो कितना ऊंचा टायर है इसका यार, और ये चलाने वाले की सीट है, और ये पीछे क्या है, और ये है सवारी बैठने का, अच्छा लगा ना। और ये देखो यहाँ पे यहाँ का मार्केट कुछ ऐसा है। What happened? Nothing, just like... और ये देखो उमा फोकट में काम निकाल रहा है यहाँ पे। ये नहीं नाई को पैसे दे दे थोड़े बहुत। हेलो सलाम सलाम, कैसे हो? सही बस पास। हेलो, यहाँ पे मुझे रोड क्रॉस करने से भाई बड़ा डर लगता है, दो तीन बार तो ठुकते ठुकते बच गया। ये देखो ऐसे ऑटो आते हैं, बाइक वाले बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे यदि आप लोग रोड क्रॉस कर रहे हो तो, बस आप अपने जिम्मे से रोड क्रॉस करो। सो गाइस अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अभी हम लोगों ने काफ़ी घुमा, सुबह से हम लोग हेरात में ही घूम रहे थे, और अभी हम लोग जाके आए थे यार वो ख्वाजा अब्दुल अंसारी की जो सूफी संत था, आप लोग जानते होंगे। अभी तो पहले हम लोग यहाँ पे जूस पीते हैं, जो सूफी संत था उसकी जो टोंड थी मकबरा था वहाँ पे जाके आए थे। वहाँ पे काफ़ी बड़ा इन लोगों ने मॉस्क भी बना रखा है यार, ये कैसा लग रहा हूँ मैं, काफ़ी बड़ा मॉस्क भी बना रखा है उन लोगों ने वहाँ पे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पैलेस था वो, काफ़ी अच्छी जगह लगी मुझे। सबसे इंटरेस्टिंग आज की वही जगह थी, लेकिन वहाँ पे पंगा क्या था, वहाँ पे वुमेंस बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गन्ने का जूस वगैरह पियेंगे, और फिर ये सामने हमारा ये होटल है, होटल में जाएंगे एडिटिंग करेंगे, और फिर यहाँ से दो चार दिन में अफगानिस्तान से निकलने का प्लान है, टिकट वगैरह बुक करते हैं फिर थोड़ा सा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो थोड़ा लेट आता जाता रहता है, तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लो, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।